जब कोई जवान सीमा पर गोलीबारी या आतंकी हमले में शहीद हो जाता है तो परिवार को गर्व होता है, देश को नाज होता है, लोगों में सम्मान होता है। लेकिन जब कोई आतंकवादी हमारे सैनिकों पर धोखे से हमला करता है तो देश उबल उठता है, पूरे देश से आवाज उठती है, दुश्मनों को खत्म करो, आतंकियों को बर्बाद करो। हाल ही में हुए पुलवामा हमले के बाद देश का लगभग यही हाल था। लोगों की आंखें नम थी, दिल भरा हुआ था, लेकिन उतना ही आक्रोश था, उतना ही गुस्सा था। दुश्मनों के खात्मे की आवाज पूरे देश से उठी। वहीं देशवासियों ने शहीदों के परिजनों तक अपनी मदद पहुंचाने के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। लोगों ने अलग अलग एप्स के जरिए सेना के घर तक अपनी मदद पहुंचाई। लेकिन इन दिनों चर्चा में एक बूढ़ी अम्मा है जिनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पूरी संपत्ति सेना में शहीद जवानों को सौंप दी गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल अजमेर में मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने वाली देवकी शर्मा ने शायद ही कभी यह सोचा होगा कि उनकी लाखों की संपत्ति शहीदों के परिजनों के काम आएगी, मगर यह पुण्य उनके भाग्य में था। और हाल ही में उनकी मौत के बाद उनके द्वारा जोड़ी गई सारी धनराशि शहीदों के फंड में पहुंच गई है। बजरंगगढ़ चौराहे के मंदिर के बाहर भीख मांगने वाली देवकी शर्मा के सामने समस्या आ गई कि वे बचे हुए पैसों को कहां जमा करें। एक बार कुछ लोगों ने उनके इकट्ठा किए हुए पैसों को छीन लिया और उसके बाद रोती हुई वो मंदिर का संचालन करने वाली जय अम्बे नव युवक सेवा समिति के सचिव संदीप गौड़ के पास पहुंची, जहां इस समिति के लोगों ने देवकी का खाता खुलवा दिया। ये खाता संदीप के नाम से ही खोला गया क्योंकि भीख मांगने वाली महिला देवकी शर्मा के पास कोई पहचान पत्र नहीं था। कुछ दिन पहले ही देवकी शर्मा का निधन हो गया। अब समिति के सामने समस्या थी कि देवकी शर्मा द्वारा 5 लाख रुपए और देवकी के बिस्तर से मिले लाखों रुपए का क्या किया जाए। देवकी की इच्छा थी कि इन राशि का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाए। इसी बीच पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जिसमें कई जवान शहीद हो गए। इसके बाद सभी ने इस राशि को शहीदों के परिवार को दिए जाने पर सहमति जताई है। बुधवार को बैंक से 6,61,605 रुपए का ड्राफ्ट बनाकर जिला कलेक्टर को शहीद परिवार के लिए सौंप दिया। जहां एक तरफ लोग शहीदों के खिलाफ बोलकर लोगों को भड़का रहे हैं, शहीदों के परिवार तक मदद पहुंचाने की खिलाफत कर रहे हैं, तो उनके मुंह पर ये एक करारा तमाचा है। जहां एक भीख मांगने वाली महिला की पूरी संपत्ति को समिति ने दान देने का फैसला किया है, वहीं देश के कुछ जाने माने और अमीर लोग शहीदों को कह रहे हैं कि वो तो शहीद होने के लिए ही थे। आपको बता दें, शहीद होने वाले जवान के परिजन अपने घर के लाडले के शहीद होने पर गर्व महसूस करते हैं। वे किसी से मदद की भीख नहीं मांगते, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई जवान शहीद होता है तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उन तक मदद जरूर पहुंचाएं। इसके लिए सरकार और कुछ समाज सेवी द्वारा कई एप्स बनाई गई हैं, जिसका इस्तेमाल कर इस बार लाखों लोगों ने शहीदों तक अपनी मदद पहुंचाई भी है, जिसके लिए हम उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करें।